नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका द सने पोस्ट में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग में। क्यों भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं अपने देश के ही नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं शाहीन बाग में। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। हम वरीशा सलीम, यूपी से आए हुए हैं। जी, क्या करते हो आप? अभी तो 11th क्लास में। अच्छा, यहाँ पर आप क्यों आए? यहाँ तो हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ पे जो इन्होंने काला कानून पास किया है हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर आप नागरिकता दे रहे हैं तो आप सबको दिए, आप उसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? आप सब कुछ करिए ना, आप रिलीजन के बेस पे क्यों कर रहे हैं? ये गलत है, मुस्लिम को नहीं, आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। एक महीना प्रतिदिन आप लोग आ रहे हो बिना 7 आ रहे हैं ये लोग, बताइए। और इतनी भूखी है बेचारी, इतनी सर्दी में यहाँ बैठी हूँ, ये सरकार को नहीं दिखता क्या? अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप अपना नाम बताइए। वहीदन। अच्छा, आपको क्या मांग है आपकी सरकार से, आप लोग जो यहाँ पर हैं? हमारी मांग ये है कि जो सरकार, पहले तो मोदी से पूछो मोदी क्या कर रहा है, फिर हमारी मांग ये है जो काला कानून चला रखा है सरकार ने वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो अभी सरकार जो ये कह रही है कि नागरिकता देने का कानून है, तो इसका विरोध आप क्यों कर रही है? अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, सरकार झूठा है। हमें जब तक कानून वो जो लाया वो ना आपस लेगा, जब तक हमने नोटबंदी से भी फायदा होगा, जीएसटी से फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। वो जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वो अब लगभग 1 महीने हो गया, अभी तक क्या कोई सरकारी प्रशासन की तरफ से कोई आया है? नहीं, वो तो लागू कर दिया उन्होंने, नहीं आया किसी दिन आया। वो कोई देख ही नहीं रहे, जनता बैठी, जनता परेशान हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो कर रहे हैं जो उनका मन है और हम लोग वो करेंगे जो हमारा मन है। तो आपको लगता है आपको उम्मीद नजर आ रही है कि इतने दिन से आप लोग 24/7 आ रहे हो? उम्मीद तो ऊपर वाले पे है, हमें आई समझ में, उम्मीद तो ऊपर वाले पे है। लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये कानून यहाँ से नहीं हटेगा, वो अपना करते रहे। अगर वो हटाएंगे नहीं तो उनकी सत्ता गिरेगी, वो सरकार से हटेंगे अगर वो कानून नहीं हटाएंगे तो। पर वो तो कह रहे वो अड़े रहेंगे, अब सरकार पारित लड़े रहेंगे। हाँ, बिल्कुल अड़े रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठे रहेंगे। हिंदुस्तान है तो हम क्यों जाएं यहाँ से, हमारा हिंदुस्तान है। आप स्टूडेंट हैं, आपको जामिया की घटना के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की घटना के बारे में आपको पता होगा। वो चाहते हैं कि जो एक आवाज़ है जो जेएनयू और जामिया से उठ रही है उसको दबा दे। वो मतलब वो सब वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ करे कि आगे ना बढ़ सके मूवमेंट, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने से बच्चे को लेकर और 1 महीने से रोड पर पड़ी हुई है। मेरे यहाँ पर एक महिला है जिनके गोद में 1 महीने की बच्ची है और वो यहाँ पर प्रतिदिन अपने उस 1 महीने की बच्ची के साथ आ रही हैं। और जब मैंने यहाँ के महिलाओं से पूछा कि वो यहाँ पर अभी भी जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है तब क्यों आ रही, तो उनका सिर्फ एक जवाब है कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ आ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमें कहीं नहीं जाना और हमारा रहेगा, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा रहेगा।